नमस्कार दोस्तों, संदेश कैरियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कैलेंडर का पार्ट टू बताने जा रहा हूँ। इसके पहले पार्ट वन में हमने एक प्रश्न दिया था जो कि आपको पीछे बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, और हमने ये बोला था कि सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है, यहाँ दिया हुआ है निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है, और अगर आप देखेंगे तो ये शताब्दी वर्ष है, क्योंकि मैंने बोला था कि इकाई और दहाई पे अगर आपको जीरो दिखाई देता है तो वो क्या होता है, शताब्दी वर्ष। और इसको लीप ज्ञात करने के लिए हम भाग देंगे किससे, 400 से। और अगर हम 400 से भाग देंगे तो यहाँ पे कौन सा कटेगा, सी ऑप्शन जो होगा वो 4 से पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना आएगा, 0। यानी इसमें अगर हम देखें तो लीप वर्ष आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। यानी इसका सही उत्तर था सी ऑप्शन, जो कि काफी बच्चों ने कमेंट करके इसका उत्तर बताया था। अब कैलेंडर पार्ट टू में हमको आगे लेके चलना है इसका अगला टाइप जो है, ठीक है ना। आइए देखते हैं प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछता है। क्वेश्चन अगला टाइप का है, वर्ष 1973 का कैलेंडर, वर्ष 1973 का कैलेंडर कब दोबारा प्रयोग किया जाएगा, वर्ष 1973 कैलेंडर कब दोबारा प्रयोग किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न को सॉल्व अगर करना होगा तो इसके लिए एक छोटा सा नोट पॉइंट लिखिएगा, दोबारा कैलेंडर कब प्रयोग किया जाएगा यह ज्ञात करने के लिए, दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा इसके लिए दिए गए वर्ष में 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, और यदि शेषफल 1 आता है तो दिए गए वर्ष में 6 जोड़ते हैं, और यदि शेषफल 2 और 3 या तो 2 आए या तो 3 आए तो हम दोनों में ही 11 जोड़ते हैं, और यदि शेषफल अगर 0 आ जाए यानी 4 से भाग देने पर पूरा कट के 0 हो जाए तो हम दिए गए वर्ष में 28 जोड़ते हैं। आइए देखते हैं, यहां प्रश्न था 1973 का कैलेंडर कब दोबारा प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए हमने बोला है कि दोबारा कैलेंडर कब प्रयोग किया जाएगा, इसको ज्ञात करने के लिए हम 4 से भाग देंगे, और अगर 1973 में 4 से भाग देते हैं तो जरा देखिएगा, 4 चौके 16, 9 6 3 आएगा 7, 4 9 36, 1 और 4 3 12 करेंगे कितना आएगा, 1 आए। वैसे आप चाहें तो सिर्फ 73, ये लास्ट में भी अगर 4 से भाग देते तो आपको मिल जाता ना। अब चूंकि हम आपको बता रहे हैं इसीलिए हमने पूरा यहाँ 1973 भाग दे के बता रहा, ठीक है ना। कोई भी वर्ष कैलेंडर अगर पूछेगा दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा तो इसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे कि 4 से भाग देंगे। हमने यहाँ पर भाग देखा तो शेषफल 1 आया है। अब 1 आया है तो हम करेंगे क्या कि इस दिए गए वर्ष में जिसमें पूछ रहा है, इस 1973 में हमने कहा है कि जब शेषफल 1 आता है कितना जोड़ते हैं, 6 जोड़ते हैं, और जब 6 जोड़ते हैं तो अगर 1973 में अगर 6 जोड़ेंगे तो आएगा 1979, 639 ना। तो 1973 का जो कैलेंडर है वो दोबारा 1979 में प्रयोग किया जाएगा, 1979, ठीक है ना। अब इसी पे एक क्वेश्चन और करके दिखाइए। हम यहाँ पर 1973 जो लिखा हुआ है इसको हम आपको लिख दे रहे हैं 1991, ठीक है। वर्ष 1991 का कैलेंडर कब दोबारा प्रयोग किया जाएगा, और अगर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना होगा तो बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व करेंगे। आइए जरा भाग दे के देखते हैं 1991 में 4 से, और देखते हैं हमारा शेषफल कितना आता है, 1991। 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, 3 आएगा, 4 9 36, 3, और 4 7 28 कितना बचेगा, 11 8 3।
36 यहाँ 3 आया था, फिर हमने भाग गया 4 से 28 3 आया है। इसका मतलब ये है कि 1991 में 4 से जब हमने डिवाइड किया था तो शेषफल कितना आया है, 3 आया है। और हमने बोला कि जब शेषफल 3 आएगा तो कितना जोड़ा जाएगा, 11। इसका मतलब ये है कि इस 1991 में हम जोड़ेंगे 11, और अगर 11 जोड़ते हैं तो 1 1 2 होगा, 9 1 10 9 1 10 और 1 1 2। इसका मतलब हुआ कि वर्ष 1991 का जो कैलेंडर है वो दोबारा 2002 में प्रयोग किया जाएगा। इसी तरीके से कोई भी आपको प्रश्न दे रखा हो, आप करेंगे क्या कि उस वर्ष में 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने पर शेषफल 1 आता तो 6 जोड़ेंगे, 2 आएगा तो 11 जोड़ेंगे, 3 आएगा तो 11 जोड़ेंगे, और 0 आएगा तो 28 जोड़ते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं इसके अगले टाइप पर। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला टाइप आइए देख लेते हैं जरा। नेक्स्ट टाइप जो प्रश्न है राम श्याम से 40 दिन बड़ा है, राम श्याम से 40 दिन बड़ा है। यदि राम का जन्म शनिवार को हुआ हो, यदि राम का जन्म शनिवार को हुआ हो तो श्याम का जन्मदिन बताइए, तो श्याम का जन्मदिन बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जरा ये देख लेते हैं। आइए जरा, तो हम राम ले रहे हैं और यहां पर श्याम ले रहे हैं, और यहां पर राम को बोला है कि ये श्याम से 40 दिन बड़ा है, ध्यान दीजिएगा। और राम का जन्मदिन जो दे रखा है वो है शनिवार, तो ध्यान दीजिएगा। अगर शनिवार में हम 1 2 करते करते 40 तक आगे बढ़ाएंगे ना तो श्याम का मिल जाएगा, लेकिन इतना करेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसके लिए हमको करना क्या होगा कि 40 में 7 से भाग दीजिएगा, 7 5 35 और कितना बच जाएगा, 5। ध्यान दीजिएगा ये 5 अतिरिक्त निकाल रहे हैं। अब इतना कर लिए तो इसके बाद जरा देखिएगा कि यहां पर राम श्याम से 4 दिन बड़ा है, यानी बड़ा कौन होगा, राम, क्योंकि राम को बड़ा बोला है ना, तो राम बड़ा है। और अगर राम बड़ा है तो राम का जन्म क्या होगा, पहले, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बड़ा होता है उसका जन्म पहले होता है और जो छोटा होता है, क्योंकि श्याम यहां पर छोटा है, यानी श्याम का जन्म होगा बाद में, ठीक है ना। जो बड़ा होगा उसका जन्म पहले होगा और जो छोटा होगा उसका जन्म बाद में होगा, क्योंकि जो ये अतिरिक्त दिन 5 आया है तो पहले के लिए हम माइनस करते हैं और बाद के लिए प्लस करते हैं। क्योंकि वीडियो पार्ट 1 में भी ये बात को हमने जिक्र किया था एक जगह कि पहले के लिए माइनस होता है और बाद के लिए प्लस होता है। अब यहां 5 अतिरिक्त दिन है तो ध्यान दीजिएगा शनिवार में हम क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे। अब या तो शनिवार में 5 अब सिंपल जोड़ दीजिए, 5 अगर जोड़ेंगे तो रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार और क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार। लेकिन एक तरीका और है इसका, जल्दी से करना चाहते हैं, अगर प्लस 6 जोड़ना होता है तो जल्दी से माइनस 1 करते हैं, और अगर प्लस 5 जोड़ना होता है तो माइनस 2 करते हैं, और अगर प्लस 4 जोड़ना होता है तो जल्दी से हम क्या करते हैं, माइनस 3 करते हैं। उसी तरीके से शनिवार में या तो आप 5 आगे बढ़ जाइए और या तो आप 2 पीछे आ जाइए, आपको जल्दी से इसका उत्तर मिल जाएगा। शनिवार में 5 हमने गिन के बताया था बृहस्पतिवार आ रहा था, और शनिवार में अगर 2 हम पीछे करते हैं तो भी आपको उत्तर क्या मिल जाएगा, बृहस्पतिवार। इसका मतलब ये हुआ कि अगर राम का जन्म शनिवार को होता है तो श्याम का जन्म कब हो जाएगा, बृहस्पतिवार को होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसी पे अगला क्वेश्चन जरा हम चलते हैं, क्वेश्चन और देखिए अगला टाइप जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि राजू
यदि राजू सूरज से, यदि राजू सूरज से 83 दिन बड़ा हो, यदि राजू सूरज से 83 दिन बड़ा हो और यदि राजू सूरज से 83 दिन बड़ा हो और सूरज का जन्म, और सूरज का जन्म मंगलवार को हुआ हो, और सूरज का जन्म मंगलवार को हुआ हो तो राजू का जन्मदिन बताइए, तो राजू का जन्मदिन बताइए। अब इस प्रश्न को सॉल्व करना है, क्योंकि आप सब समझ गए हैं कि कैसे करना है ना, तो आइए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा जाए। देखिए, हम राजू ले रहे हैं और यहां पर सूरज ले रहे हैं, क्योंकि राजू को बड़ा बोला है और 83 दिन बड़ा बोला है, ये 83 दिन बड़ा बोला है ना। तो राजू अगर बड़ा होता है, अगर आप राजू को बड़ा ले रहे हैं तो इसका जन्म पहले होगा, और अगर हम सूरज को छोटा ले रहे हैं तो इसका जन्म क्या होगा, बाद में होगा। अब सूरज का जन्म देखिए, यहां पर सूरज का दे रखा है कब, मंगलवार को, यानी इसका दे रखा है मंगलवार, आपको निकालना है किसका, राजू का। तो 83 में अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो 7 एक कम 7, 13 7 कितना हो जाएगा, 6 आएगा। 83 में हम 7 से भाग दिए, 7 एक कम 7, 8 में 7 एक आया, फिर ये 3 हमने उतारा, 7 एक कम 7 ना, 13 7 बटा कितना, 6 आया है ना, तो 76 दिन होगा। अब चूंकि पहले वाले का निकालना है तो मंगलवार में हम 6 क्या करेंगे, माइनस। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि आप देख चुके हैं कि पहले के लिए माइनस होता है और बाद के लिए प्लस होता है। तो मंगलवार में अगर 6 माइनस करना हो तो हम जल्दी से प्लस 1 भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से जैसे यहां देख रहे हैं आप ना, तो अगर माइनस 6 करना हो तो जल्दी से प्लस 1 कर सकते हैं, माइनस 5 में प्लस 2 कर सकते हैं, माइनस 4 में प्लस 3 कर सकते हैं। तो या तो मंगलवार में 6 पीछे करिए, या तो जल्दी से आप क्या कर लीजिएगा, प्लस 1 कर लीजिएगा। और मंगलवार में अगर हम 1 जोड़ दें तो उत्तर क्या मिलेगा, बुधवार। यानी अगर सूरज का जन्म मंगलवार को होता है तो राजू का जन्म कब हो जाएगा, बुधवार को। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट, आइए अगला क्वेश्चन जरा देख लिया जाए। देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं, यदि कमल बिमल से 100 दिन बड़ा हो और बिमल पंकज से, और बिमल पंकज से 60 दिन बड़ा हो, और यदि कमल का जन्म सोमवार को हुआ हो तो पंकज का जन्मदिन बताइए, तो पंकज का जन्मदिन बताइए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो कैसे करेंगे, जरा देखिएगा यहां, ठीक है ना। कमल को क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़ा है किससे, बिमल से, और वो भी 100 दिन बोला है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, 100 दिन ले लेंगे। फिर बोला है कि और बिमल पंकज से 60 दिन बड़ा है, और बिमल पंकज से 60 दिन बड़ा होना, यहां से कर लीजिएगा। तो ये बिमल पंकज से 60 दिन बड़ा है तो हम यहां पर ले लेंगे 60। अब आगे प्रश्न में देखेंगे तो कह रहा है कि यदि कमल का जन्म कब हुआ है, सोमवार को, यानी कमल का जन्म दे रखा है सोमवार को हुआ है, तो आपको क्वेश्चन में पंकज का जन्मदिन बताना है। तो हम काम करेंगे, कमल से चलना था और सीधा आपके पास पंकज के पास जाना है। अगर हम मान लें कि 3 भाई हैं, ये कमल पहला सबसे बड़ा है, बिमल दूसरे नंबर वाला है और पंकज आपका तीसरे नंबर वाला है। ध्यान दीजिएगा, अगर कमल बिमल से 100 दिन बड़ा है और बिमल पंकज से 60 दिन बड़ा है,
कहने का मतलब अगर दूसरा तीसरे वाले 7 दिन बड़ा है और पहला दूसरे वाले से 100 दिन बड़ा है, तो पहला तीसरे से कितना बड़ा होगा? तो 100 दिन ये है और 60 दिन ये है ना, टोटल हम जोड़ देंगे, 100 प्लस 60 जोड़ देंगे तो टोटल 160 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कमल होगा वो पंकज से 160 दिन बड़ा होगा, और 160 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो आएगा कितना? 7 × 14 = 6 आएगा ना, 7 × 14 यहाँ 6 × 4 = 2 आया, फिर 0 उतारे, 7 × 14 यहाँ कितना बचा? 6। देखिए अब 6 क्या करना होगा, क्योंकि बाद वाले के लिए तो प्लस कर देंगे, या तो हम ऐसे कर सकते हैं या तो काम और कर सकते हैं कि पहले आप 100 में 7 से भाग दीजिए और जो भी अति दिन आएगा जोड़ के विमल का निकाल लीजिएगा, फिर 60 में 7 से भाग देकर जो भी अति दिन आएगा उसको पंकज का भी जोड़ दीजिएगा, लेकिन ऐसे लंबा होगा और एग्जाम में आपके पास समय इतना ज्यादा नहीं होता है। आप करेंगे क्या कि 100 और 60 दोनों को जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद जो भी आएगा वो 7 से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कमल बड़ा है तो इसका जन्म पहले हुआ है, और यहां पंकज छोटा है तीसरे नंबर वाला, तो इसका जन्म क्या होगा? बाद में होगा। अब इस सोमवार में आपको करना क्या होगा, इस सोमवार में 6 प्लस करेंगे, इस सोमवार में 6 अगर हम प्लस करते हैं तो या तो आप 6 आगे बढ़ा लीजिए या तो आप पीछे कर लीजिए। हम यही बताएं आपको कि प्लस 6 करना होगा तो जल्दी से क्या कर लीजिए, -1 कर देंगे तो भी आपको वही उत्तर मिलेगा। तो सोमवार में अगर 1 माइनस करेंगे तो उत्तर क्या मिल जाएगा? रविवार, ध्यान दीजिएगा। या सोमवार में 6 आगे बढ़ाएंगे तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रविवार ना, या तो काम कर सकते हैं सोमवार का कोड 1 होता है और 6, और 1 + 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 आएगा, और 7 में 7 से भाग देंगे तो पूरा कट के 0 आएगा, और 0 का मतलब तब क्या हो जाएगा? रविवार। आप इस तरीके से भी इसका उत्तर निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं कैलेंडर में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यदि मधु गीता से, यदि मधु गीता से 70 सप्ताह बड़ी हो, 70 सप्ताह बड़ी हो और गीता सुमन से, और गीता सुमन से 200 दिन बड़ी हो, 200 दिन बड़ी हो, तो मधु का जन्मदिन बताइए, तो मधु का जन्मदिन बताइए। इस प्रश्न को सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। जैसे आपने पीछे देखा है बिल्कुल उसी तरीके से लगाना होगा, क्योंकि मधु को बोला है कि गीता से 70 सप्ताह बड़ा है, बड़ी है ना, और ये गीता सुमन से 200 दिन बड़ी है, और इसमें देखेंगे तो यहां ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन पूरा भी हुआ नहीं है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, 200 दिन बड़ी हो और 200 दिन बड़ी हो और सुमन का ना, और सुमन का जन्म बुधवार को हुआ हो तो मधु का जन्मदिन बताइए, तो मधु का जन्म दिन बताइए। अब क्वेश्चन आपका पूरा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है, यदि मधु गीता से 70 सप्ताह बड़ी हो और गीता सुमन से 200 दिन बड़ी हो और सुमन का जन्म बुधवार को हुआ हो तो मधु का जन्मदिन बताइए ना। क्योंकि देखिए इसके पहले हम क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख दिए थे, उसमें हमने को क्या करना था, किसी एक का तो जन्मदिन देना था ना, क्योंकि जब तक आप जन्मदिन उसका किसी एक का नहीं देंगे इन तीनों में से तो निकालना मुश्किल हो जाएगा या क्वेश्चन वो रॉन्ग हो जाएगा ना। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, देखिए सुमन का बुधवार डिसाइड कर दिया है ना, ये 3 मान लीजिए एक तरीके का बहन है, और तीनों में सुमन का दे दिया है बुधवार को। अब आप निकाल सकते हैं,
ध्यान दीजिएगा यहां 70 सप्ताह है, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी दिन में साथ जोड़ दें और चाहे साथ घटा दें, वही दिन आता है। कहने का मतलब है, यदि आज शुक्रवार है ना, तो आज से 7 दिन बाद आपका यही दिन आएगा ना। अगर आज तारीख जैसे मान लीजिए आपका 15 है, तो अगला शुक्रवार कब होगा, तो 15 में 7 जोड़ेंगे तो 15 7 22 को अगला होगा। तो चलिए फिलहाल अब यहां देखते हैं। देखिए सुमन का बुधवार को दे रखा है, तो पहले गीता का निकाल लेते हैं, और जो गीता का हो जाएगा वही आपका क्या होगा, मधु का हो जाएगा, ठीक है ना। तो 200 में अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 × 14 = 10 = 6 = 7 = 56 कितना बच जाएगा, 4। अब चूंकि सुमन छोटी है और इसका जन्म कब हुआ होगा, बाद में, और आपको पहले का निकालना है गीता का ना, तो आपको इस बुधवार में सिंपल 4 माइनस करना होगा। तो या तो बुधवार में आप 4 पीछे चले जाएंगे, और या तो आप 3 क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, और अगर 3 आगे बढ़ाते हैं तो बृहस्पतिवार शुक्रवार और क्या आ जाएगा, शनिवार। इसका मतलब होता है कि अगर सुमन का बुधवार दिया है क्वेश्चन में, तो गीता का जन्म हो जाएगा शनिवार। और चूंकि गीता से 70 सप्ताह बड़ी है मधु, तो एक काम कर लीजिए, शनिवार में है ना, तो 70 सप्ताह अगर पहले आएंगे तो भी आपका शनिवार ही आएगा, और नहीं तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 70 सप्ताह में 70 × 7 करेंगे तो 490 दिन आएगा, और 490 में अगर हम 7 से भाग दें तो पूरा कटकर 0 हो जाएगा, और अगर शनिवार में 0 माइनस करेंगे तो भी क्या मिलेगा, शनिवार। यानी मधु का जन्म दिन बताना था, तो मधु का जन्म क्या हो जाएगा, शनिवार। ये इसका उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट, सिर्फ एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा आप। यदि अजय विजय से 78 दिन बड़ा हो और विजय गणेश से 124 दिन बड़ा हो और विजय का जन्म शुक्रवार को हुआ हो तो क्रमशः, ध्यान दीजिए कैसे भी क्वेश्चन पूछता है ना, तो क्रमशः अजय और गणेश का जन्मदिन बताइए, अजय और गणेश का जन्मदिन बताइए। आइए देखते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अजय विजय से कितना बड़ा है, 78 दिन, और विजय गणेश से 124 दिन बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, अजय बड़ा है मतलब इसका जन्म हुआ होगा पहले, ये बड़ा है तो इसका जन्म पहले होगा, और गणेश छोटा है सबसे तीनों में तो इसका जन्म क्या होगा, बाद में। अब यहां देखने वाली बात है किसका जन्मदिन शुक्रवार दे रखा है, यहां देखेंगे तो विजय का जन्मदिन शुक्रवार दिया है ना, यहां पर हम क्या लिख लेंगे, शुक्रवार। अब आपको क्रमशः पूछ रखा है ना, क्रमशः का मतलब यह है कि आपको पहले अजय का नाम दे रखा है तो पहले अजय का बताना होगा, और बाद में गणेश का नाम दे रखा है तो गणेश का बताना होगा। अब पहले आइए अजय का निकाल लेते हैं, तो 78 में अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 × 7 यहां कितना बचेगा, 1 आएगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर अजय बड़ा है, यानी विजय से जन्म इसका पहले अजय का हुआ है, तो पहले के लिए हम शुक्रवार में 1 क्या करेंगे, -1, और -1 करते हैं तो अजय का जन्म क्या होगा, बृहस्पतिवार को होगा। अब हमको गणेश का निकालना है, ठीक है ना, और गणेश का निकालना है तो काम कर लीजिए 124 में 7 से भाग दे लीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक साथ हम दोनों जोड़ नहीं सकते हैं ना,
क्योंकि एक बार आपको पहले आना था और एक बार आपको बाद में जाना था, इसीलिए हम अलग अलग निकाल रहे हैं ना। ठीक है, 124 में 7 से भाग देंगे, 12 सात 5 और 7 सत्ते 49, 14 और 9 जाएगा कितना आएगा, 5 आएगा ना। अब ये जो 5 अतिरिक्त दिन आया है शुक्रवार में, बताइए जोड़ेंगे या माइनस? जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि इसका जन्म बाद में हुआ है और बाद वाले का हमेशा क्या करते हैं आप यहां देखेंगे तो प्लस करते हैं। यानी शुक्रवार में अगर हम 5 जोड़ते हैं या जल्दी से हम क्या कर सकते हैं, माइनस, क्योंकि हमने बोला है कि अगर 5 जोड़ना होगा तो जल्दी से आप माइनस 2 भी कर सकते हैं। और शुक्रवार में अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, बृहस्पतिवार और बुधवार, ये इसका उत्तर होगा। तो मैंने इस टाइप पे पूरा आपको क्वेश्चन बता दिया है, इस टाइप का आप सॉल्व करिएगा, मेरे हिसाब से अब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी किताब भी है, आप वहां से भी लगाते चलिए, ठीक है ना, और देखिएगा क्या हम लगा पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। अब इसका अगला टाइप चलिए जरा, तो आइए इसका नेक्स्ट टाइप, कैलेंडर में अगला टाइप हम लेके चलेंगे अब आपके सामने जो है। अगले टाइप में थोड़ा सा नियम है ना, इसको नियम को जानना जरूरी है। नियम क्या है आइए जरा देखिएगा। अगर कहता है ए से पांचवा दिन, तो आप इसको ए प्लस 4 करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, पहले हम लिखवा रहे, इसके बाद हम पहले नियम समझाएंगे, फिर इसके प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे, ठीक है ना। ए से पांचवा दिन में ए प्लस 4 करते हैं, और अगर यही कहता है कि ए के पांचवा दिन, ध्यान दीजिएगा कैलेंडर में से और के में बड़ा अंतर होता है। से कहता है तो उस दिन को लेकर चलते हैं, और के कहता है तो उस दिन को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अगर ए के पांचवा दिन कहेगा तो हम ए प्लस 5 कर देंगे, बात को ध्यान दीजिएगा। से कह रहा था हमें कम लेंगे हैं, और के कहा है तो बढ़ा दिए है ना। अगला हम अगर कहते ए से 5 दिन बाद, तो अगर से होगा तो यहां ए प्लस 5 करते हैं, और अगर यही कहता है ए के 5 दिन बाद, तो के लगा है तो हम एक एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम इस चीज को पूरा बताएंगे ना। और अगर कहता है कि ए से 5 दिन पहले, देखिए पहले के लिए कोई चेंज नहीं होता कैलेंडर में, चाहे से लगा हो चाहे के लगा हो, अगर पहले जुड़ता है तो उतना ही माइनस किया जाता है जितना दिन पहले करता है, ठीक है ना। जैसे यहां कहते हैं ए के 5 दिन पहले, ठीक है, यहां 5 दिन पहले कह रहा है तो भी हम क्या करेंगे, माइनस 5 करेंगे। अब आपके दिमाग में प्रश्न ये बैठ रहा होगा कि यहां से और के था तो हमने क्या किया था, सिंपली यहां पर प्लस 5, यहां पर प्लस 6 किया था। अब यहां पर से और के है तो दोनों जगह 5 है, तो एक जगह 5 और एक जगह 6 होना चाहिए, लेकिन नहीं, कैलेंडर में पहले के संदर्भ में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ बाद वाले में क्या होता है कि से होता है तो लेकर चलते हैं और के होता है तो छोड़कर चलते हैं। आइए हम इस चीज को जो हम लिखवाए हैं पहले इसका मतलब समझाते हैं, इसका मतलब है क्या। देखिए ए से पांचवा दिन का मतलब यह है कि इस ए के जगह हम कोई तारीख ले लेते हैं, कोई भी तारीख ले लीजिए, ठीक है, जिस मान लीजिए मेरे को हम यहां रख लीजिए, एक को यहां 15 तारीख है, तो आप सिंपल क्या पढ़ेंगे, 15वीं तारीख से, 15वीं तारीख से पांचवा दिन। अब 15वीं तारीख से पांचवा दिन का मतलब क्या है, 15 तारीख ले लेंगे, यहां से है तो से का मतलब कि इस 15 को हमको लेकर चलना है, ठीक है ना। तो अगर इसको लेकर चलने का मतलब कि हम 15 के गिन लेंगे, क्योंकि 15वीं तारीख से मतलब वहीं से चलना है, तो एक इसको हम गिन लिए, और जब एक इसको गिन गए तो 5 में से एक हम यहां निकल गया, सिर्फ कितना बचा और 4 बचा है, तो आप सिंपल यहां पर 1 2 3 4 लाइन खींच देंगे। 15वीं तारीख से पांचवा दिन है, ध्यान दीजिएगा, तो यहां से गिनना शुरू करेंगे, एक चूंकि हम इसी को ले लिए थे, और ये आपका होगा 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर ये 1 है 2 है 3 है 4, और ये आपका लिए थे पांचवा, चूंकि एक्स्ट्रा लाइन देखेंगे कितना हो रही, 1 2 3 और 1 ये 4 हो रहा, इसलिए हमने यहां पर क्या किया था, ए प्लस
चार किया था। और 15वीं तारीख से पांचवा दिन वो तारीख कौन सा होगा, अगर इसके लिए हम देखें तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये 16 हो जाएगा, 17, 18 और क्या होगा 19, यानी 15वीं तारीख से पांचवा दिन अगर लेने की बात करते हैं तो तारीख आपका क्या होगा 19 तारीख हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसको लेके चलते हैं जरा दूसरे वाले को, यहां लिखा था एक के पांचवा दिन, ध्यान दीजिएगा एक के पांचवा दिन है, तो एक के पांचवा दिन कौन सी तारीख है, तो एक के जगह हम किने क्या बोला 15 तारीख लेने के लिए, तो हम यहां पर क्या कर देंगे 15 लिख देंगे, 15वीं तारीख के पांचवा दिन लिख रहे, 15वीं तारीख के पांचवा दिन। अब इसको समझना जरूरी है, देखिए 15 है, यहां के लगा हुआ है ना, यहां पर ध्यान दीजिएगा ये के है, अगर के लगा होगा तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, और अगर इसको हम छोड़ देंगे तो आपके पास पांच में से क्या होगा पूरा का पूरा पांच बचा हुआ है, तो पांच पूरा बचा हुआ तो आप सिंपल गिन लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, ध्यान दीजिएगा ये पहला दिन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यही है आपका क्या पांचवा दिन। तो यहां अगर आप लाइन टोटल देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 आ रहा था, इसलिए हमने यहां पर क्या कर दिया A+5 कर दिया है। और अगर ऐसे दिन की बात करते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर 16 हो जाएगा, 17, 18, 19 और क्या हो जाएगा 20, ठीक है ना। तो 15वीं तारीख के पांचवा दिन आपका 20 तारीख हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम इस लाइन की बात करते हैं A से 5 दिन बाद, तो अगर यहां पर हम ले लें 15वीं तारीख से 5 दिन बाद, तो से चूंकि हम बताए हैं, ठीक है, तो यहां पर करना क्या होगा कि से में हम ले लेते हैं जैसा हम यहां पर बता चुके हैं, और अगर इसको हम ले लेंगे तो आपके पास कितना और रहेगा 4 हो जाएगा ना, तो आप सिंपल 1, 2, 3, 4 खींच लेंगे। ध्यान दीजिएगा इसको हमने क्या किया है, ले लिया है, क्यों, क्योंकि से लगा था, और से लगा होता है तो उसको हम क्या करते हैं गिन लेते हैं ना। तो यहां देखिए 1, 2, 3, 4 और क्या ये पांचवा दिन है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या लगा हुआ है बाद लगा हुआ है, और 15वीं तारीख से पांचवा दिन का मतलब होता है छठा दिन, सॉरी 15वीं तारीख से 5 दिन बाद अगर आएंगे तो आपका 5 दिन बाद छठा दिन आता है, ये पांचवा दिन है, तो एक आपको बाद लाइन खींचना होगा या यही आपका क्या होगा छठा दिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 15वीं तारीख से 5 दिन बाद, देखिए यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 और 5 दिन के बाद आना था, तो बाद के लिए हमने क्या किया ये लाइन ले लिया ना, यही आपका होगा छठा दिन। और अगर हम अगर इस पे डेट निर्धारण करें तो 16, 17, 18, 19 और क्या होगा 20, इसका मतलब होता है कि 15वीं तारीख से 5 दिन की बात करता है, तो 15वीं तारीख से 5 दिन बाद आपका क्या होगा 20 होगा। और अगर हम ये देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 एक्स्ट्रा लाइन है, तो हमने यहां पर क्या किया है +5 जोड़ दिया है। अब हम इस लाइन की बात करते हैं, यहां 1 के 5 दिन बाद लिखा हुआ है, तो ए के जगह अगर हम कोई डेट लेते हैं 15 तारीख ना, तो अगर आप इसको लिखेंगे 15वीं तारीख के 5 दिन बाद, ध्यान दीजिएगा के लगता है तो हम पहले ही बता चुके हैं कि के में उस डेट को छोड़ दिया जाता है, तो यहां 15 को हम छोड़ देंगे, और जब इसको हम छोड़ देंगे तो आपके पास पूरा का पूरा 5 बचा हुआ है, पूरा 1, 2, 3, 4, 5 ये ले लेंगे ना। तो ध्यान दीजिएगा ये 1, 2, 3, 4 ये पांचवा दिन है, और जबकि ये पांचवा दिन नहीं कह रहा है, 5 दिन के बाद जाने के लिए कह रहा है, और 5 दिन के बाद का मतलब कि आपके 5 दिन बाद लाइन लेंगे बाद वाली, और बाद का मतलब यही आपका क्या होगा छठा दिन हो जाएगा। और यहाँ टोटल लाइन देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 अरे क्या होगा 6, इसीलिए हमने यहां पर क्या जोड़ा है A+6 जोड़ा है, यानी 15वीं तारीख के 5 दिन बाद की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा 16, 17, 18, 19, 20 और क्या मिलेगा 21 तारीख मिलेगा, ठीक है ना। अब इन दोनों की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा किताब में भी कहता है कि से के संदर्भ में
चाहे के संदर्भ में अगर पहले लगा होगा तो नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर पांच दिन पहले कहेगा तो पांच ही माइनस करेंगे, और के लगा होगा पहले होगा तो भी आपका पांच ही माइनस, अगर चार दिन पहले चार माइनस, तीन दिन पहले होगा तो तीन ही माइनस ना। ये है आपका पहले के लिए, ठीक है। तो पहले के लिए कोई चेंज नहीं किया जाता है। जैसे अगर हम सिंपल कहें कि यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है, आज से दो दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा तो आप कहेंगे बुधवार। और अगर यही हम कहते हैं कि यदि आज शुक्रवार है और आज के दो दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा तो भी आप क्या बोलेंगे बुधवार, ठीक है ना। तो ये तो बात रही इस लाइन का, क्योंकि हम ये लिखवाए थे कि इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए था, क्योंकि जब तक मतलब समझ में नहीं आएगा आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आप इसी पे एक क्वेश्चन जरा देख लीजिए कि क्वेश्चन देता कैसे है, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लीजिए यहां पर जरा, क्वेश्चन पूछता है यदि किसी माह की दो तारीख को मंगलवार हो तो उस माह की 20वीं तारीख से पांचवां दिन कौन सा होगा, ठीक है। 20वीं तारीख से पांचवां दिन कौन सा दिन होगा ना। तो दो तारीख को हम मंगलवार ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दो को यहां क्या बोला लेने के लिए मंगलवार। और इस लाइन का मतलब है कि 20वीं तारीख से पांचवां दिन कौन सा दिन होगा। तो ए से पांचवा में ए प्लस चार जोड़ रहे थे, तो 20वीं तारीख से पांचवा दिन का मतलब 20 में कितना जोड़ेंगे चार, इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो 20 में चार जोड़ेंगे कितना आएगा 24। और अगर दो तारीख को मंगलवार है तो आपको 24 को बता रहा है। अब यहां से प्रश्न को दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि किसी भी दिन में सात जोड़े या सात घटाए वही दिन आता है। अगर दो को मंगलवार है तो दो सात नौ को मंगलवार होगा, नौ सात सोलह को मंगलवार हो जाएगा, और सोलह प्लस सात जोड़ेंगे तो सोलह चार बीस, तीन तेईस को क्या होगा मंगलवार, और अगर तेईस को मंगलवार होगा तो चौबीस को क्या हो जाएगा बुधवार। एक तरीका तो यह है। और इसका अगर दूसरा तरीका देखें तो दो तारीख को मंगलवार दे रखा था, 24 को बताना था, तो आपको करना क्या होगा सिंपल कि 24 में दो माइनस करना होगा। दो माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि दो तारीख से लेके 24 तारीख के बीच में कुल कितने दिन आ रहे हैं, और 24 में दो कम करेंगे तो आएगा 22। अब हम 22 में सात से भाग देंगे तो कट कर कितना बचेगा एक, चूंकि 24 बाद में आता है और दो पहले आता है, तो बाद के लिए हम क्या करते हैं प्लस, पहले बता चुके हैं, तो एक जो बचा है इस मंगलवार में एक जोड़ देंगे, और मंगलवार में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बुधवार। अब इसी पे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, आप लगाएंगे और लगाकर कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बताएंगे, और मैं उस क्वेश्चन को अगली वीडियो में सॉल्व करूंगा। चलिए क्वेश्चन आप लिख लीजिए, क्वेश्चन है यदि किसी माह की चार तारीख को बुधवार हो तो उस माह की 18वीं तारीख के छह दिन बाद कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन नहीं दे रहे, आप सॉल्व करके इसका उत्तर बताइएगा क्या उत्तर आएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके आप इसका उत्तर बताइएगा, क्योंकि उसका उत्तर हमें बनाने में समय लगेगा। आप सॉल्व करके इसका आंसर बताइएगा, अगर नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करूंगा इसका सोल्यूशन दूंगा, ठीक है ना। अब इसी के साथ ये पार्ट टू हम यहीं पर विराम करते हैं, बाकी जो बचा है वो पार्ट तीन अगले में जाएगा, ठीक है ना।
बाकी इतना आप रिविजन करिएगा, कोई समस्या होगा कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। हाँ बस यही है कि बाबू डेली का डेली रिविजन करते चलिए, जितना कुछ यहाँ बताया जा रहा है आप उसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको और अच्छे से तैयार कर सकता है, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, ये प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। बाकी देखिए हम लोग आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं बाबू, थोड़ा सा आप लोग की भी हेल्प चाहिए, ठीक है ना। आप लोग जो हमारा चैनल है उसको जितना शेयर करिए, ताकि आपके जितने मित्र हैं उनके पास भी पहुंचे, जो हमें नहीं जानते हैं ना उनके पास भी जाएगा तो वो भी पढ़ेंगे तो उनका भी क्या होगा, तैयार होता चले जाएगा। आप चाहे तो जितना इसको फैलाएंगे उतना ही क्या होगा, अन्य बच्चों के पास भी जाएगा और वो भी अपने कॉम्पिटिशन को और अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्ते।